कई लंबे अरसे के बाद आमतौर पर हमारे देश में एक मूड बना, भाई चुनाव आया है, वोट देना है, किसी को काम देना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप नेचर बन गया। अच्छा भाई चलो, ये तुमको 5 साल के लिए दिया, तुम ये करके दो, और नहीं दिया चल जा, दूसरा आ जा। ये बाय एंड लार्ज हमने लोकतंत्र का यही हाल करके रखा था। इस बार देश भागीदार बना है, सिर्फ उसने 2014 में हमें बिठाया ऐसा नहीं, 2014 से 19 तक हमें चलाया भी है। 2014 से 19 वो भी हमारे साथ चला है, कभी कभी हमसे दो कदम आगे चला है। 2014 से 19 उसने भागीदारी की, जिम्मेवारियों को कंधे पर उठाया, वरना देश का एक प्रधानमंत्री नया नया आया हुआ प्रधानमंत्री लाल किले से कह दे कि अरे यार गैस की सब्सिडी छोड़ दो, और इस देश के 1.25 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ दे, मतलब सरकार को हम लोगों ने जितना चलाया है, देश को हमने जितना बढ़ाने का प्रयास किया है, उससे ज्यादा 1.25 करोड़ देशवासियों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि यह चुनाव प्रो इनकम्बेंसी, आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी बड़ा नेचुरल होता है, क्योंकि राजी नाराजी उसका एक स्वाभाविक होता है। कभी सांसद के प्रति राजी नाराजी होती है, कभी संगठन में राजी नाराजी होती है, कभी वेस्टर्न इंटरेस्ट ग्रुप को बड़ा दुख होता है, बहुत कुछ होता है, और वो एक प्रोफेशनल हैजार्ड भी है। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, लेकिन विश्वास की डोर जब मजबूत होती है तब प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा होता है। ये प्रो इनकम्बेंसी वेव विश्वास की डोर से बंधा हुआ है, विश्वास की डोर से सामर्थ्यवान बना हुआ है, और विश्वास का डोर जनता और सरकार के बीच ही नहीं, जन जन के बीच भी वो विश्वास का डोर बना चला है, और उसमें से ये प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा हुआ है, और इसके कारण ये चुनाव पॉजिटिव वोट का चुनाव है। फिर से सरकार को लाना है, फिर से सरकार को काम देना है, फिर से सरकार को जिम्मेवारी देनी है, इन लोगों के माध्यम से देश को यहां ले जाना है। इस सकारात्मक सोच ने ये इतना बड़ा जनादेश दिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जो पंडित हैं, आज शायद उतना उनका चित्र अभी हो सकता है धुंधला हो, क्योंकि रिजल्ट का प्रभाव भी रहता है, लेकिन जब शांत मन से सोचेंगे, ये धुंधलाहट हटेगी, तो ये सकारात्मक शक्ति का सामर्थ्य क्या होता है, और उसको चैनलाइज करने की दिशा में अगर लोग जुड़ेंगे, मैं समझता हूं हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। न सिर्फ सरकार, 1.25 करोड़ देशवासियों का संकल्प और पुरुषार्थ और परिश्रम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर सकता है।